बची हुई इडली से आज मैं एक सिंपल और इजी स्नैक बनाने का तरीका आपको बताऊंगी। बेसिक इंग्रेडिएंट्स यूज़ करके इसे बनाया है। दोस्तों, अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक करके हमें सपोर्ट ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। यहाँ पर दोस्तों मेरे पास 6 लेफ्टओवर इडलीज हैं, तो आज हम इससे बनाने वाले हैं अपने स्नैक को। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इडलीज को हमने ग्रेट कर लेना है। तो इस तरह से एक छोटा ग्रेटर लेके हम क्या करेंगे, सारी इडलीज को ग्रेट कर लेंगे। इडलीज को मैंने इस तरह से, ये देखिए, बिल्कुल ग्रेट कर लिया है। छोटे वाले ग्रेटर से हमने इसे ग्रेट किया है। एक चॉप किया हुआ प्याज मैं इसमें डाल देती हूँ। एक गाजर को भी मैंने ग्रेट कर लिया है, तो ये भी हम इसमें ऐड करते हैं। आधा इंच के अदरक के टुकड़े को भी हमने ग्रेट कर लिया है। 2 हरी मिर्च चॉप की हुई, 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच मैं इसमें सौंफ की डाल रही हूँ। दोस्तों, सौंफ बहुत ही अच्छा टेस्ट देता है इस स्नैक में। 1 चम्मच हम यहाँ पर धनिया पाउडर ऐड कर रहे हैं, 1 चम्मच चाट मसाला, थोड़ी सी हम इसमें हींग डालते हैं 2 पिंच के करीब, नमक स्वाद के अनुसार, आधा कप मैं इसमें बेसन का ऐड कर रही हूँ। सारी चीज़ों को हम यहाँ पर मिक्स कर लेते हैं। प्याज और गाजर के मॉइस्चर के साथ हम अपने बैटर को मिक्स कर लेते हैं पहले। ये देखिए इसी तरह से बाइंड हो रहा है, क्योंकि काफ़ी मॉइस्चर होता है गाजर और प्याज में। पर थोड़ा सा हम इसमें क्या करते हैं, पानी भी ऐड कर लेते हैं ताकि एक अच्छा सा डो बन जाए। थोड़ा सा पानी डालती हूँ, 2 चम्मच के करीब, और इसे हम मिक्स कर लेते हैं फिर से। यहाँ पर आप देख सकते हो हमने सारी चीज़ों को अच्छे से बाइंड कर लिया है। तो अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा अपने हाथों पे ऑयल लगा लेंगे, साथ ही में फिंगर्स पे भी लगा लेते हैं, और इसमें से थोड़ा सा हम डो लेंगे। और आपको जिस साइज़ के बनाने हैं अपने स्नैक को, आपने उतना ही बैटर लेना है। तो ये देखिए मैंने इतना एक लड्डू के शेप का लिया है। इस तरह से इसे हम हाथों में रोल कर लेंगे और फिर से थोड़ा ऑयल लगा लेंगे ताकि ये चिपके नहीं हाथों में। थोड़ा सा इसे हम फ्लैट कर लेंगे इस तरह से। साइड्स के किनारों को भी हम साथ ही में थोड़ा सा अच्छे से बनाते जाएंगे ताकि इसमें क्रैक्स ना हो। इस तरह से करने के बाद हमने क्या करना है, थोड़ा सा देखिए मैंने इसे फ्लैट कर लिया है, और अब इसके बीचों बीच हमने क्या करना है, एक इस तरह से होल बना लेंगे। ये देखिए दोस्तों, इस तरह से हमने इसे डोनट शेप का, मेदू वड़े शेप का वड़ा बना लिया है। चलिए फिर से हाथों को ग्रीस कर लेते हैं, थोड़ा सा डो लेते हैं, और इसी तरह से हम अपने सारे स्नैक को तैयार कर लेते हैं। तो सारे बैटर को हमने इस तरह से शेप देके तैयार कर लिया है। तो चलिए अब इन्हें हम फ्राई कर लेते हैं। यहाँ पर हमने ऑयल को गरम कर लिया है। अच्छे से गरम करने के बाद इसे हम मीडियम टू लो पे कर देंगे और एक एक करके सारे स्नैक इसमें डाल देते हैं फ्राई करने के लिए। इसे हम बनने देते हैं नीचे से, थोड़ा सा ये अच्छे से बन जाए, उसके बाद ही इसे हम टर्न करेंगे। थोड़ी देर हो चुकी है तो इन्हें हम टर्न कर लेते हैं, दूसरी तरफ से भी इन्हें हम अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। दोस्तों, ये लेफ्ट ओवर इडली का एक बहुत ही अच्छा स्नैक है। ये बहुत ही यूनिक रेसिपी है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। और दोस्तों, अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो हमें कमेंट करके भी बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसे लगी है। बहुत ही बढ़िया सा इसका कलर आ गया है, तो क्या करते हैं, इन्हें निकाल लेते हैं और बाकी के हमारे जो वड़े हैं उन्हें भी हम इसी तरह से फ्राई करके तैयार कर लेते हैं। ये देखिए दोस्तों, दिखने में तो ये बिल्कुल मेदू वड़े जैसे दिख रहे हैं। तो चलिए बाकी भी हम तैयार कर लेते हैं। सारे वड़ों को हमने फ्राई कर लिया है और यहाँ पर मैंने इसे कोकोनट चटनी के साथ सर्व किया है। आप इसे केचप के साथ, हरी चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हो। दोस्तों, बहुत ही टेस्टी बनते हैं, मैं आपको इसे तोड़ के भी दिखाती हूँ। क्रिस्पी होते हैं ऊपर से, अंदर से ये बिल्कुल सॉफ्ट होते हैं। आप चाहो तो दोस्तों इसे सांभर के साथ भी, मेदू वड़े के जैसे भी खा सकते हो। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको हमारी आज की ये रेसिपी पसंद आई होगी।
अगर आपको रेसिपी पसंद आती है तो एक लाइक करके हमारे चैनल को सपोर्ट करें, साथ ही में एक कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसे लगी है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, आपने हमारी रेसिपी को पहली बार देखा है, तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी हम अपनी रेसिपी डालें तो आपको उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। जल्दी फिर मिलेंगे एक नई और इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ।